हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एपिसोड 6 से। यूजीयू को पूछती है, क्या तुम मुझे निकाल रहे हो? कंपनी में बातें चल रही है कि मुझे निकाल देंगे। यू बड़े अंदाज के साथ कहता है, मेरे इजाजत के बिना कौन तुम्हें निकालेगा? यूजी बोलती है, आगे से मैं और ज्यादा अच्छे से काम करूंगी। फिर यूजी नए ड्रामा के एग्रीमेंट पढ़ती है, उसमें 10 दिन की ट्रेनिंग के जाने के बारे में लिखा था। ये तो यू देखा भी नहीं था। यूजी के लिए वो ना चाहते हुए वो ड्रामा साइन कर दिया था। एक्चुअली ये ड्रामा भी चाइना की हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड था, इस वजह से उस टाइम की हिस्ट्री को समझाने के लिए उन्हें, मतलब जो लोग उस ड्रामा में काम करेंगे, उन सभी को 10 दिन तक उस टाइम की हिस्ट्री की पढ़ाया जाएगा। तभी वहाँ मैनेजर और प्यान आते हैं। प्यान यू को याद दिलाती है कि आज चाओ का बर्थडे है और उसे चाओ के लिए खाना बनाने को रिक्वेस्ट करती है। वो भी यू को हेल्प करेगी। ये सुन के यू खाना बनाने लग जाता है, लेकिन जब प्यान को प्यास लाने के लिए बोलता है, तब उसे पता चलता है प्यान तो किचन में है ही नहीं। वो चिल्लाता है, बट कोई उसके बात सुनते ही नहीं। सारे बाहर एंजॉय कर रहे थे। कुछ टाइम के बाद चाओ आता है, सभी उसे बर्थडे विश करते हैं, लेकिन चाओ हमेशा की तरह आज भी उदास था। उसके बाद सभी खाना खाते हैं और गेम खेलते हैं। चाओ का मूड आज थोड़ा ज्यादा ही ऑफ था, वो ऊपर रेस्ट करने चला जाता है और यूची हर राउंड में जीत रही थी। ये देख के सारे इम्प्रेस हो रहे थे, लेकिन हमारे हीरो को उसका हार पसंद नहीं आया। वो सभी को अपने घर से निकाल दिया यूजी को छोड़ के। रात को यूजी लोगों के सामने बातें करने की प्रैक्टिस करती है। पीछे से यू ये सब देख लेता है। वो यूजी के लिए कुछ करना चाहता है, इसीलिए वो मैनेजर से बात करता है और बोलता है, नए ड्रामा के ट्रेनिंग के लिए असिस्टेंट टीचर चाहिए था ना, वो पोस्ट यूजी को दे दो। मैनेजर बोलता है, ये मेरे हाथ में नहीं है, मगर पता चला है कि ट्रेनिंग यूजी के कॉलेज में होगा और कल वहाँ कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट इंटरव्यू दे सकता है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगले दिन यूजी यू के साथ इंटरव्यू देने जाती है। यू यूजी को बहुत मोटिवेट करता है एंड यूजी भी बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए जरूर जीतूंगी। कुछ देर बाद यूजी इंटरव्यू से उदास होकर आती है। यू उसे बोलता है, कोई बात नहीं, तुम फिर कोशिश कर लेना। तभी यूजी बोलती है वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई है और दोनों बहुत खुश होते हैं। घर पे यू यूजी के लिए बहुत सारे खाना बनाता है। हर बार की तरह इस बार भी यूजी खाना खाती है और यू उसे देखता रहता है, मगर इस बार खाना बहुत टेस्टी होता है, इसलिए यूजी यू को खाने को फोर्स करती है। यू भी थोड़ी सी टेस्ट करता है और उसे अपने ही हाथ का खाना इतनी ज्यादा यम्मी लगती है कि वो नॉनस्टॉप खाने लग जाता है। सुबह सुबह यू और यूजी जॉगिंग के लिए जाते हैं और रास्ते पे यूजी को उसकी एक्स का कॉल आता है। यू ये देख के आगे चलने लगता है और यूजी अपने एक्स के साथ बातें करता है। वो बोलता है, प्लीज हमारे ब्रेकअप के बारे में तुम्हारे पापा को मत बताना। और यूजी बोलती है, मुझे मेरी प्रॉमिस अभी भी याद है। फिर वो फोन काट के यू के पीछे चलने लगता है। जॉगिंग के बाद दोनों यूजी के कॉलेज जाते हैं। आज से ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है यूजी के एक्स भी इसी ट्रेनिंग के लिए आज असिस्टेंट टीचर सिलेक्ट हुआ है। यू नाराज होकर मैनेजर को कॉल करता है और इस बारे में पूछता है। मैनेजर बोलता है, ये अच्छी बात है, आप सभी का ट्रेनिंग अच्छे से होगी। तो यू बोलता है, मुझे ट्रेनिंग में नहीं जाना। मैनेजर भी ब्लैकमेल करता है, सोच लो फिर यूची भी जाएगी हाथ से। अब यू भी क्या करे, चुपचाप क्लास को जाता है। वहाँ प्यान भी थी, उसके साथ बातें करता है। तभी वहाँ यूची और उसके एक्स भी आ जाते हैं और आते ही उसकी एक्स एग्जाम देने के लिए सभी को अपना फोन स्विच ऑफ करने को कहता है। अरे पहले 2-3 दिन कुछ पढ़ा भी तो दो, फिर कर लेना एग्जाम। वहाँ और एक बंदा पढ़ने आता है जिसका नाम ओएन है। वो क्लास में एंटर करते ही वो एक हेयर पिन नीचे गिरी देख के उसे उठा के पास में खड़ी यूची के हेयर में लगा देता है। यू तो मानो जैसे कोई उस पे आग लगा दी है, वैसे रिएक्ट करता है। प्यान वेन को अच्छे से जानती थी, दोनों बातें करने लग जाते हैं। तभी यू बोलता है, तुम लोग ये शोर शराबा बंद करो, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। यूची वहाँ आती है और हेयर पिन लुटा के बोलती है, ये मेरी नहीं है। एग्जाम स्टार्ट होने के बाद यू यूजी को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ उसकी एक्स आ जाता है।
और क्या प्रॉब्लम है पूछता है। एक्चुअली पैन और यू यूजी से कॉपी करने के लिए चीट लेना चाहते थे। अब क्या होगा रे कालिया? यू फिर भी बोलता है, मेरी पेन चल नहीं रहा है, मुझे नई पेन चाहिए। यूजी की एक्स यू के पेपर देख के बोलता है, तुम अभी तक एक लाइन भी नहीं लिखे, फिर भी तुम्हारे इंक खत्म हो गई। तभी यूजी वहाँ आती है और यू को पेन देती है, पर उस पेन में कोई चीट नहीं था। यूजी के एक्स बाहर जाने के बाद यूजी को चीट के बारे में पूछते हैं। उसने बोली, कौन सा चीट? फिर यू उसे एक क्वेश्चन का आंसर पूछता है। यूजी उसे नहीं बताता और प्यान वेन से देख के लिख लेती है, बट प्यान यू को अपनी पेपर नहीं दिखाती। यूजी लास्ट तक यू को थोड़ी भी हेल्प नहीं करती। यू इसलिए यूजी पे बहुत नाराज हो जाता है। वो सारे मेंबर कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, जहां यू और वेन को एक ही रूम मिलता है। वो दोनों रात को गेम खेलते हैं। वहां वेन के असिस्टेंट उसे फोन करके उसके हालचाल पूछती है, लेकिन यू का असिस्टेंट उसे अच्छे से पढ़ने के लिए वॉइस मैसेज करती है। क्या इंसल्ट करती है ये लड़की। सुबह सुबह यू यूची पे गुस्सा होता है कि तुम सिर्फ पढ़ाई के बारे में बोलते हो, कभी मेरी केयर नहीं करते, मुझे हेल्प नहीं करते। तभी वहाँ वेन आ जाता है, यूची को खाने के लिए कुछ देता है। यू का जलन वहीं खत्म नहीं होता। उधर से यूची की एक्स भी उसके लिए खाना लाता है। ज्यादा फैट ना खाने वाला बंदा भी जलन के मारे दोनों लाए हुए खाना अकेले ही खा लेता है और बोलता है, यूची को ये सब पसंद नहीं, यूची को नूडल्स पसंद है। आगे बास्केटबॉल का मैच चल रहा था, जिसमें यू बहुत ही अच्छा खेल रहा था, पर वहाँ यूची की एंट्री होती है। यू यूची को देख ही रहा था कि उसके पास बॉल आता है और वो जोर से एक पंच मारता है बॉल को, और बॉल सीधा यूची के एक्स को लगती है और उसे चोट लग जाता है और फिर हॉस्पिटल। आगे दिखाता है यूची यू को उसके एक्स को माफी मांगने के लिए कहता है। यू पहले तो मना करता है, बाद में यूची के फोर्स में माफी मांग लेता है। तभी यूची की एक्स यूची को अपने हाथों से दवाई पिलाने के लिए बोलता है। यू ये सुन के बोलता है, वो नहीं, मैं पिला देता हूँ, और जल्दी जल्दी उसके मुंह में थूसने लगता है। फिर यूजी को एक क्रू मेंबर बोलता है, सारे एक्टर को क्लासरूम में बुलाइए, अभी हमारे गेस्ट प्रोफेसर आएंगे। नेक्स्ट दिन में क्लास में एंट्री होता है गेस्ट प्रोफेसर का, जिन्हें देख के यूजी बोलती है, पापा। इतना सुन के प्यान और यू को 440 वोल्ट का करंट लगता है। उसके बाद यूची और यूची के पापा अकेले में बात करते हैं। वहाँ यूची अपने पापा को बताती है कि वो यू का असिस्टेंट है, और दोनों बहुत सारे बातें करते हैं। फिर पापा बोलते हैं, कल सरप्राइज टेस्ट होगा। ये बात यूची सारे एक्टर को बताती है। यू को लाइब्रेरी में पढ़ाने के साथ साथ वो कल के क्वेश्चन पेपर की आंसर लिखती है। आंसर लिखने के बाद यू को पता चलते ही वो यूची को पानी लाने के लिए बोलता है। यूची अपने बैग से पानी ला के दे देती है। यू पानी पीते पीते सोचता है, इसे कैसे बाहर निकाला जाए। एक्चुअली वो आंसर चुराने के मूड में था। तभी यूजी को एक कॉल आता है और वो रिसीव करने के लिए लाइब्रेरी के बाहर चली जाती है, और यू फटाफट लैपटॉप से आंसर पढ़ने लगता है। तभी यूजी आके वो फोल्डर को ही डिलीट कर देती है। फिर भी यू उसे लैपटॉप मांगता है और उस फोल्डर को जल्दी जल्दी रिकवर करने में लग जाता है, लेकिन तभी लैपटॉप की बैटरी लो हो जाती है और वो बंद हो जाता है। यू का शक्ल तभी देखने लायक था। रात को यू के माँ पापा उसे फोन करके बर्थडे विश करते हैं। उसके फैन और दोस्त भी उसे मैसेज भेजते हैं, लेकिन यूची की मैसेज ना देख के नाराज होते हुए वो उसे फोन करता है। यूची की फोन आधी रात को भी बीजी देख के गुस्से से फोन साइड करके सो जाता है। कल क्या होगी यूची की हालत जानने के लिए सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।